मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप देख रहे हैं धमचिक धमचिक के चुनावी यात्रा में हमारी टीम राजसमंद पहुंची है। राजसमंद खास इसलिए है क्योंकि यहां से राजस्थान की मिनिस्ट्री की एक बड़ी मंत्री किरण माहेश्वरी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन इस बार उनको हराने का दारोमदार कांग्रेस ने नारायण सिंह भाटी को सौंप दिया है। उनके कार्यालय पहुंचे हैं हम इस चुनावी यात्रा में। किस तरह से कद्दावर को टक्कर देंगे हम इनके समर्थकों से जान लेते हैं, कुछ कड़वे सवालात पूछ लेते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है? वहाब खान। तो किरण माहेश्वरी को आप फेसबुक पर बाहरी कहते हैं? हम तो सभी लोगों को हिंदुस्तानी कहते हैं, कोई बाहरी नहीं है। बाहरी किसे कहना है? बाहरी तो कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, अगर कोई पाकिस्तान से आता है, कोई नेपाल से आता है तो हमारे लिए बाहरी है, बाकी पूरे देश में रहने वाले हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, बाहरी कोई नहीं। भाटी साहब की फेसबुक प्रोफाइल जब हम देख रहे थे तो उस पर लिखा हुआ था ये, तो क्या इस बार ये 2-10 साल की राजनीति है उनकी यहाँ से, तो आप क्या देखते हैं, इस बार ख़त्म हो जाएगी? देखिए जी, उम्मीदवारों के चयन का मामला है। कांग्रेस पार्टी को 2 बार जो उम्मीदवार मिले वो जमीन से जुड़े हुए नहीं थे, हालांकि बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के मालिक थे, सभी कुछ था, लोगों से अच्छा संपर्क था, लेकिन वो लगातार जनता से जुड़े हुए नहीं रहे। जबकि श्री भट्टी जो हैं वो पारिवारिक रूप से कांग्रेसी हैं, इनके पिता भी यहाँ प्रधान रह चुके हैं, ये जिला प्रमुख रह चुके हैं, और आज भी न कभी किसी गुट से संबंध रहे, सभी व्यक्तियों के साथ जुड़ के रहे, भले आदमी हैं, भल मानसत है। इनके पीछे सामंत शब्द अगर कोई बात है तो सामंत सही इनमें नहीं है, ये एक व्यापारी व्यक्ति हैं, गांव के हर गरीब से इनका जुड़ाव है, सभी समाज के लोग इनको चाहते हैं। निर्विवाद रूप से जब तक इनकी दावेदारी जाहिर न हुई तब तक के लिए हर आदमी के मन में एक ही बात थी कि किरण जी का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो नारायण सिंह भाटी कर सकते हैं। किरण जी का मुकाबला जब वो बाहर से आती भी हैं तो भी इसी बाहर की जनता ने उनको समर्थन देकर 2 बार यहाँ रखा है, फिर यहाँ हरि सिंह भी आए, ठीक है, हरि सिंह साहब आए, फिर वो भी नहीं आ पाए। सवाल ये था कि यहाँ की जनता का विरोध कांग्रेस से नहीं था। कई बार लोगों का विरोध उम्मीदवार से हो जाता है कि उम्मीदवार के चयन में कहीं कमी रह गई। हरि सिंह जी के पास उम्मीदवारी से पहले राजनीतिक अनुभव नहीं था जितना अनुभव नारायण सिंह भाटी के पास में है। आप एक कार बेकार वाली बात भी कर रहे थे जो कि राजनीति से इतर बात है, उससे ऊपर वाली बात कर रहे थे, तो क्या देखते हैं, क्या मतलब सादृश्यता जो है वो हमारे जीवन से चली गई है, अगर जनप्रतिनिधि हैं वो कार में आ रहे हैं, इस दर्रे पर आप कुछ बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का जुड़ाव आम जनता के बीच में नहीं रह पाया पिछले कई सालों से। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई, क्योंकि उनके सामने काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास में ना कोई अपना प्रोग्राम था, ना आम जनता से उनका जुड़ाव रहा, ना उनकी समस्याओं को समझने की उनके पास क्षमता रही। वो केवल मात्र जिला मुख्यालय की राजनीति तक ही सीमित रह गए। गांव के लोगों के दिल में क्या दर्द था, यहाँ की लाइफलाइन पानी के संबंध में क्या बात थी, जनता तक पहुँचाना भूल गए, विरोध करना भूल गए। नतीजा यह रहा कि लोगों ने देख लिया कि इस पूरे मैदान में तो एक ही खिलाड़ी है, सामने कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। जहाँ प्रतिद्वंदता की बात आई तो जो प्रतिनिधि आज हमारा खड़ा हुआ है उनको पार्टी ने भी इस हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया कि उनके अहमियत को भूल गए, और जब किसी इंसान की अहमियत को भूल दिया जाता है तो उसका खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। क्यों? कि कार्यकर्ताओं के मन में उसी व्यक्ति के प्रति ज़्यादा प्यार होता है जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रखता है, कार्यकर्ताओं के बीच में मतभेद नहीं रखता है, सबसे एक जैसा व्यवहार रखता है, और ये गुण नारायण सिंह भट्टी में कूट कूट के भरा हुआ है। नहीं, हमने आपसे ये कहा था कि आप राजनीति से इतर, उससे ऊपर उठकर कुछ बातें कर रहे थे, आप दांडी मार्च की बात कर रहे थे, महात्मा गांधी की बात कर रहे थे, और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके गाड़ियों में चलने की बात कर रहे थे, लग्जरी जो लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं उनकी बात कर रहे थे, तो उससे कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि शायद उससे कहीं आप थोड़े से जनता के बीच में जाकर हाथी पर बैठकर ऊंट पर भीख मांगने से कटोरा जनता के पास तक नहीं पहुंचता और उसमें कुछ नहीं डाला जाता है। जनता के बीच में मत लेने जाना हो तो बराबर सामने जाके खड़ा होना पड़ेगा, आम लोगों के बीच में आम इंसान की तरह जाना पड़ेगा। हम विलासिता के कल्चर में रहकर अगर कारों में बैठकर, गाड़ियों में बैठकर और बड़े बड़े इन साधनों पर बैठकर लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो वो हमारे कद को बहुत ऊँचा समझेंगे, और ऊँचे व्यक्ति के साथ में नीचा व्यक्ति जुड़ना पसंद नहीं करता है। उनमें ये समानता होनी चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि हमारे दर्द को जानता है,
इस सड़क पे आने वाले पैदल चलने पर उन गड्ढों की उसको जानकारी है, यहाँ पे कांटों की उसको जानकारी है, यहाँ के दो तरफ को जानते हैं। एक छोटे पीएससी के बाहर खड़ा रहकर जब जनप्रति खड़ा होता है उसको महसूस होता है कि अंदर स्टाफ नहीं है, पीएससी की बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, तो उनको महसूस होता है गाँव का एक बीमार आदमी जब यहाँ आता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये बात जानना जनप्रतिनिधि के लिए बहुत जरूरी है, और जब तक जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं समझता है और उनके दर्द का भागीदार नहीं बनता है तब तक वो वोट मांगने जाता है तो जनता उसको वोट नहीं देती है। नारायण सिंह भाटी वो कौन से काम करके दिखाएंगे जो आप मैडम नहीं कर पाई यहाँ पर? नारायण सिंह जी भाटी एक भली राजपूत समाज से है पर वो एक काश्तकार के बेटे हैं और काश्तकारों का दुख दर्द वो समझते हैं। काश्तकार रात को किस तरह से मतलब खेत में सोता है, फसल नहीं उगा पाता है, और उसका क्या मतलब सरकार की तरफ से उनको मदद मिलनी चाहिए, क्या सब्सिडी मिलनी चाहिए, उस पर नारायण सिंह जी भाटी अच्छे अनुभवी आदमी हैं, काश्तकारों का भला करेंगे, ये मैं मतलब जो कहना चाह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे सरल स्वभाव के आदमी हर गरीब के साथ मतलब ज़मीन पे बैठ के उससे बात करने के लिए तैयार हैं, बैठते हैं कि भाई आपका दुख दर्द क्या है, वो उसको वो समझते हैं क्यों वो एक काश्तकार के बेटे हैं। यहाँ पर जब हम शहर में आए थे तो बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए थे किरण माहेश्वरी के, उन पर जगह जगह दावे किए गए थे, तो ऐसे कौन से दावे हैं जो वो पूरे नहीं कर पाई हैं? वो राजसमंद ने झील भरने का दावा पूरा नहीं कर पाई, क्या राजसमंद झील का, दूसरी बात रोडों का दावा पूरा नहीं कर पाई, ना ऐसा कोई उसने 15 साल में काम किया जैसा कांग्रेस ने किया, बागेरी चलाया कांग्रेस ने, जेके टायर लगाया कांग्रेस ने, नहर डाली कांग्रेस ने, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसकी ख्याति मिले। ये कहीं कोई राजपूत कार्ड जैसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि राजपूत बाहुल्यता की बात अगर हम करें तो राजपूत कार्ड जैसी स्थिति तो नहीं है, पहले भी कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर, ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, सभी जातियों का वर्चस्व और सभी जातियों के अंदर हमारे जो नए उम्मीदवार उतरे हैं नारायण सिंह जी पार्टी वो सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं, और हमारी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाली है। आप स्टेट गवर्नमेंट अभी जो ये टिकट फाइनल हो रहा है आप खुद देख लीजिए, राजस्थान सरकार ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को पूरी तरह से अलग कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सभी को टिकट दिए है उसी तरह से। वर्ग विशेष वाली बात तो आज वो खत्म हो गई, सवाल आ रहा है इसलिए जवाब आ रहा है, वर्ग विशेष का सवाल आपको इसलिए सुनना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात कही, राजपूत भी है, मुस्लिम भी है, एससी एसटी भी है, ओबीसी है, दलित है, पिछड़े है, मजदूर किसान सबको साथ में लेकर चलने की बात की है, और उसी तर्ज पर हमारे जो हमारे राजसभा से प्रत्याशी बनाए गए नारायण सिंह जी वो अपना वादा पूरा करेंगे। ये इल्जाम तो कांग्रेस पर भी लगे हैं, जिस चीज़ की बात आप कह रहे हैं, जिस जातिगत समीकरण की बात आप कह रहे हैं, इन इल्जामों की गूंज केवल और केवल मीडिया में सुनाई देती है, आम जनता में कोई नहीं, आम जनता में आज भी कांग्रेस का क्रेज है और पहले भी रोता है, और पिछले दो विधानसभा चुनाव में या तीन विधानसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से हम पीछे रहे, लेकिन इस बार हम निश्चित तौर पर सब मिलकर लड़ रहे हैं, नारायण सिंह जी पार्टी साहब के नेतृत्व में ये सीट जीती जाएगी। किसानों के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? किसानों के लिए साहब अभी तक जितना पूर्व कांग्रेस ने किया उसके बीजेपी वालों ने 0% पे लाके किसानों को मृत्यु के ओर धकेल दिया। वो तो अभी 1600 रुपये उन्होंने मतलब काश्तकारों को देने भी शुरू कर दिए साहब, अभी किसी की जेब में नहीं आया है, उनकी घोषणा ऐसी चलेगी, आज धोती घोषणा है आपके हिसाब से। अच्छा 15 लाख में से 1600 दे दिए, बाकी हाँ। डेबिट है। अच्छा बाकी है वो, तो युवा लोग भी हैं पीछे की तरफ, कुछ युवा लोग हैं, ठीक है, मांगीलाल जी से तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ युवा भी हैं, ठीक है, युवाओं के हिसाब से युवाओं की समस्या क्या है यहाँ पर? आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डालचंद कुमावत, मैं राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गांधी ब्रिगेड का। अभी यहाँ पर राजनीति के इतर बात करेंगे, आपकी हैसियत हम थोड़ी देर के लिए बदल रहे हैं, आम आदमी की हैसियत बना रहे हैं आपकी। आम आदमी बीजेपी का काम रहता है जोर से बोलती है, झूठ बोलती है और झट बोलती है। कैसे झूठ बोलती है? लोगों को कहा कि 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर किसी 50 लोगों को ही रोजगार अगर बता दे साक्षात प्रमाण तो हम मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बोला किसानों का बिल माफ, थोती घोषणा, जब बीजेपी कांग्रेस वालों ने सचिन जी पायलट साहब, अशोक जी गहलोत साहब, हमारे मेवाड़ के आदर्श राजस्थान के गौरव डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने जब बिजली की निःशुल्क बात की, तब दूसरे दिन इन्होंने मीटिंग में बिजली का मुद्दा रखा, वरना पहले बिजली के लिए किसानों के लिए कोई धनी दोरी नहीं था। जब किसानों 15 लाख एक एक खाते में आने की बात थी, क्या किसी के पास जीरो? ये दावा किसने किया था 15 लाख? 15 लाख मोदी जी ने बोला, थोती घोषणा, झूठ बोले, झट बोले, जोर से बोले, इसलिए हम बोल रहे हैं और डंके की चोट से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलती है, 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, क्या अच्छा देश से प्रदेश से होते हुए राजसमंद आ जाते हैं,
राजसमंद की समस्याएं बताएं। राजसमंद की ये समस्याएं हमारे इतने साल 15 साल इनको खोखला कर दिया है। ये बीजेपी वालों का राज था, क्या एक भी किसी को नौकरी दी? जो पानी की जो समस्या थी उसका दावा लगा उसको वो किरण माहेश्वरी के दावे तो आप हर जगह होर्डिंग पर देख सकते हैं ना, है ना उनके। यदि 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 हमारे विधायक महोदय का जुमलों के लिए यदि कोई कंपटीशन कराए तो मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ कि जुमलों का जो अवार्ड है वो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक को ही मिलेगा।